हाँ पहली रेड है टीम है महावीर नंबरदार की तरफ से, अगर रवि कैलरम इसे टूर्नामेंट का बेस्ट ट्रेडर बनता तो 11,000 रुपए से मान सम्माना हुआ। धन्यवाद जी, रवि कैलरम को पहली रेट पे मोहित डीग ने अच्छा प्रयास किया लेकिन सफल रेट पॉइंट रवि कैलरम के खाते में। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ जिला हिसार के सीसर गांव का बेटा है अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बलजीत सिंह दौड़ा सीसर का छोटा भाई है रवि बेरवाल गांव सीसर जिला हिसार। सामने चार स्टॉपर चाहे सोनू सोंगल की बात हो बिल्ला बलबेड़ा की बात हो और दो खिलाड़ियों की और चैन घूमती बिल्कुल क्वार्टर फाइनल हमारा मुकाबला ये सोनू सोंगल है अच्छी ट्राई की सफल रेड पॉइंट रवि सीसर को। हाँ जी लाओ सामने अगली रेड पाउंड लिए कहते गोगी या सोंगल की धरती का खेड के मैदान वाधा है और दूजे पासे कहते डीग पिंड की बड़ी टीम बनी हुई है मेरे वीरो क्वार्टर फाइनल की जी खेड खेडी जा रही है जी टीम आ मैच जित गई उन्हें सैमी की टिकट पक्की कर जानी है पर जितू कौन ये समय ने तय कर देना है बाकी समय ने राज जेड़े जग जाहिर कर देने है। इस वेले चोटी का मैच खेडा जा रहा है मोहित डीग वाले ने बड़ी टीम बनाई है और सामने कहते गोगी नौजन कबड्डी पाने लिए बधे आया है कबड्डी कबड्डी करदा खेड दे मैदान दे विच चोटी दा मैच है पाई पिंड दी धरती लो सामने इस वेले टक्कर जिहड़ी चोटी दी है और एक तगड़े नंबर दे वाधे अपनी टीम दे से नौजन ने कर दिते है। यह पठान लवी सामने कबड्डी पाने लिए तैयार है। हाँ अब रेड पे पठान ने गोरखपुर बिल्कुल हरियाणा का बड़ा माना जाने है रेडर है पठान गोरखपुर की रेड है सामने चार स्टॉपर चाहे बिल्ला बलबेड़ा एक्टल जाफी का नाम जिस खिलाड़ियों कबड्डी जगत में मिला सोनू सोंगल या बांगड़ परिवार का बेटा सोनू सोंगल मोटा के नाम से भी जानते हैं पठान गोरखपुर को अच्छी ट्राई अच्छा प्रयास हुआ लेकिन सफल रेड पॉइंट पठान गोरखपुर को यानी डीग जिला कैथल को। अब रेड पर रवि कैलरम वाला रवि कहते कैलरम की धरती का कबड्डी पाने लिए बढ़िया होया है उच्चा लम्मा कादा खिलाड़ी का जे मोहित नाल हाथ जोड़ी हो जाए फिर ताड़िया बिना कहे बजनगिया ये भी गल पक्की है टक्कर जी वड्डी खेडी जा रही है और सामने इस वेले रवि कहते कबड्डी कबड्डी करता है दो नंबर तो ट्राई की बढ़ के खिलाड़ी ने गिट्टा फड़न की कोशिश है पर नंबर दे बादे कहते रवि अपनी टीम ने इसे करता है भी जो बुक्का भर भर बंडदे सी होरां नूं समां बदलिया लाइन च खड़दे देखे ने ओ मालक दे केड़ा जाने रंगा नूं जौंदे डुब्बे डुब्बे तरदे देखे ने वक्त बदलदा कदे किसे तो पुछ के नहीं बड़े बड़े जेतू हरदे देखे ने पारस मान करीना फोकी शौहरत दा दिल दे डाक्टर दिल दे दौरे नाल मरदे देखे ने पारस मान करीना फोकी शौहरत दा दिल दे डाक्टर दिल दे दौरे नाल मरदे वेखे ने गोगी दी कबड्डी पैंदी है रवि सामने कर दे गल नौजवाना। हां ब्रेड पर गोगी सोंगल सोनू सोंगल का बिल्कुल भाई है गोगी सोंगल सामने चार स्टॉपर है मोहित डीग जिस खिलाड़ी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है और तीन खिलाड़ियों की ओर चैन घूमती बिल्कुल क्वार्टर फाइनल हमारा मुकाबला जारी है बहुत ही तगड़ा मैच होगा देखते होता क्या ये मोहित डीग वाला मोहित डीग गोगी सोंगल दो अच्छे खिलाड़ियों के बीच में टक्कर हुई अरे क्या बात है मोहित डीग ने गोगी सोंगल को कैच लगा दी। अब रेड पर पठान गोरखपुर वाला एक शानदार रेडर हरियाणा प्रदेश का बिल्कुल हरियाणा प्रदेश ने बड़ी तरक्की की है दर्शक साथियों ये तो कवियों ने भी लिखा है भले दुनिया घूम के देख लेना कसर से हमारे ठिकाने में आंख खुला जब पाव बाबू दो तीखंडवे के बाने में जन्म आगला हे भगवान दे दिए मना हरियाणा में पठान गोरखपुर की रेड है यहाँ से ट्राई हुई है लेकिन सफल रेड पॉइंट पठान गोरखपुर के खाते में। लाओ सामने अगली कबड्डी पाने लिए कहते रवि कैलरम की धरती का इस वेले वाधा होया है जे रवि अज के टूरनामेंट तो बेस्ट बनता है और प्योदे के बड़े खेड मेले से 11,000 नाल बड़े सन्मान जेडे करने महावीर जी नंबरदार साहब बड़े लान कराते हैं जे आ मुंडा जे बेस्ट बनता है तो 11,000 प्योदे के कप दे दिता जाना है पर टक्कर चोटी दी है डीग की टीम भी बड़ी बनी हुई है फैसले जेडे किए हैं रैफरी साहब रब वर्गे फैसले करते हैं और सामने इस वे रवि के हिस्से एक चोटी का नंबर जुड़ता हुआ है सिरे का मैच खेडा जा रहा भाई पिंड की सारी संगत का बहुत बड़ा धन्यवाद है साधु संतां की कहते धरती है भी साधु संत पीर खुदा दे असली मर्द सियाने जेड़े मूह चो बाक निकल गए वह
व्यर्थे नहीं जाने। शिव शंकर सपोर्ट्स क्लब बड़ी मेहनत की है और बलवेड़े का बिल्ला ट्राई करता मेरे वीरो पर नंबर जरा रेडर के हिस्से जुड़ता है। अगली कबड्डी ते बोल समन वीरे दे होंगे। हाँ आप रेड पे गोगी सोंगल वाला बिल्कुल सोंगल और डी का ये महा मुकाबला क्वार्टर फाइनल में दो स्टार टीम हरियाणा की टकराई है। जो टीमें यहाँ जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, जो हार जाएगी उसका कारवाई यही रुक जाएगा। गोगी सोंगल की रेड है, सामने स्टॉपर चार हैं, चारों के चारों तैयार हैं। मोहित डीक की बात करते और तीन खिलाड़ियों की और चैन घूमते देखते होता क्या, बहुत ही अच्छा कैच सेट है। डीक की टीम ने भी आज कमाल किया है और बहु अकबरपुर जैसी टीम को घर भेज दिया। यहाँ चिट्राई हुई है, रेफरी के साथ कोई बहस ना करे वह प्लीज, रेफरी का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा। रेफरी के साथ बहस नहीं करें, हारी खेल समिति का जैसा आदेश है जेड़ा बहस ना की जाए। लो सामने कहते इस वे पठान गोरखपुर की धरती का कबड्डी पाने लिए वध आया है। सुनील रिव्यू नहीं, खेल समिति बैठी दिलबाग कोसा बैठे हैं, किसी टीम को रिव्यू नहीं है इसलिए आप सेट लगाएं। बिल्कुल बड़े वेल क्वालिफाइड हमारे ऑफिशियल हैं, चाहे विनोद जी खत्री की बात है, कप्तान सिंह जी डीपी छात्र की बात है, अनिल अरसोला की बात है, राजेश कैरो सिल्ला डी बड़ा अच्छा वेल क्वालिफाइड ऑफिशियल होगा ये पैनल है, आप बहस नहीं करें प्लीज। हाँ अगर ऑफिशियल को डाउट है तो ऑफिशियल रिव्यू ले सकता है, वरना किसी टीम को कोई रिव्यू नहीं है, बार बार बहस करने का फायदा नहीं है। यहां बिल्ला बलवेड़ा कमाल कर सकता है लेकिन फैसले रेफरी साहबान जेड़े कर दे, अंपायर ऑफिशियल साहब नंबर पॉइंट टू रेडर, रेडर दे हिस्से जुड़ता है। कैचर लाइन आउट हुआ उसका बेनिफिट मिला रेडर को। और सामने अगली कबड्डी पाने लिए कहते रवि फदे आया है, उधर कैली का कहते बड़ा भरा साडा वीर जतेंद्र भाई है और नाल जैला भाई है, सन्मान करना है अनिल सुनील हर खरकपुरे वीर का, वह आके सन्मान ले लवे बड़े कपड़े नाल जिहड़ा सन्मान किया जाना मेरे वीरो। पर इधरले पासे कहिंदे नंबर दे वाधे अपनी टीम दे से जिहड़े नौजवान ने कर दिते है, सरेरा मैच है सरेरियां टीमां भी वक्त बीत दा जांदा जिंदगी ओ गोटे खांदी है, राजे खेले बदगी धड़कण ओ कुंडा कुंडा अड़ गया हुण बड़े मैच दा चार ने चारे दे चारे तैयार ने। रवि बलवेड़े वालिया लोगों दसना पैना भी अज बिल आया होया बड़े बड़े कपा का बेस्ट है, पर इधरले पास एक तगड़े नंबर दे वादे हुए है सिरे का मुकाबला। हाँ पिंड की धरती टाइम आउट बाई सोंगल, क्या स्कोर हुआ जी, स्कोर बताना दिलबाग जी एक बार। सुनील खरकपुर आके सन्मान लवे जी वीर ने पाई पिंड वाले पाई की टीम खेड का सम्मान बड़े कप हाँ। किया जाना है। अब तक का जो स्कोर है 9 अंक है टीम डी के और 5 अंक है टीम सोंगल के, ये ना जी ठीक है। जो टीम पहले 17 बना लेगी वो जीत जाएगी, अगर 16-16 हुए तो मैच बराबर हो जाएगा। अगली टीमें भी तैयार हो जाए, फरमाना वर्सी जांडली, चलो सेट लगाओ, टाइम आउट पूरा हुआ रेडर भेजो टीम सोंगल रेड लगाओ। चलो अगली दोनों टीमें फरमाना जिला सोनीपत और जांडली जिला फतेहाबाद की टीमें भी तैयार हो जाएं भाई। अब रेड पे है गोगी सोंगल वाला, बिल्कुल हरियाणा का एक शानदार रेडर है, भले एक काम पे ध्यान लगा के वो पार तारना चाहिए, मुकाबला जब बराबर का हो तो दिल ते नहीं हारना चाहिए, जब पीठ यार की आ जा और खंजर नहीं मारना चाहिए, और राखो ना सिरे एहसान ओछे मानस का उलाना लोगो गैल तारना चाहिए, रो ओछे मानस का उलाना लोगो गैल तारना चाहिए। यहाँ मोहित डिंग ने कोशिश की है, अरे क्या बात है और सफल कैच लगा दी, नंबर नंबर कहते डीक के हिस्से जुड़ता है। मोहित डीक की सफल कैच, बहुत ही शानदार कैच। अब रेड पर पठान है गोरखपुर वाला, आज दो खिलाड़ी की छूट में दो रेडरों पे टीम ने दाव खेला, रवि सीसर हो रहे पठान गोरखपुर पर, पठान गोरखपुर एक शानदार रेडर हरियाणा का सामने, चार स्टॉपर है बिल्ला बलवेड़ा से उम्मीदें हैं, सोनू सोंगल से उम्मीदें हैं, बिल्कुल दो कबड्डी जगत के सुपरस्टार कैचर हैं, लेकिन यहाँ पठान गोरखपुर फिर अंक लेने में कामयाब रहा। रवि कैलरम की रेड भाई, रवि कैलरम की धरती का कदे कबड्डी पाने के लिए इसलिए फिर
ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਖੇਡਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਣ ਪਟਾਕੇ ਆ ਕੰਨ ਗੂੰਜਦੇ ਚਾਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡਦੇ ਯੰਕੇ ਮਰਦ ਖੇਡਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਭਟਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਪੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰਾ ਸੁੰਗਲ ਪਿੰਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲਾ ਹਾਂ ਬੁੱਲਾ ਬਲਵੇਰਾ ਕਬੱਡੀ ਐਕਟਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਰੇਡਰ ਨੇ ਛੇੜੇ ਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਸਭੀ ਰੇਡਰੋਂ ਕੋ ਦੀਆ ਸੇ ਜਿਸਨੇ ਗੇੜਾ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾ ਟੋਪ ਕੈਚਰ ਯੋ ਛੋਰਾ ਬਿੱਲਾ ਬਲਬੇੜਾ ਰਹੇ ਯੋ ਛੋਰਾ ਬਿੱਲਾ ਬਲਬੇੜਾ ਰਹੇ ਅਬ ਰੇਡ ਪੇ ਸੁਧੀਰ ਬਾਂਗੜ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ ਬੇਟਾ ਸੁਧੀਰ ਬਾਂਗੜ ਗਾਂ ਸੋਂਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਹਾਂ ਆਫੀਸਰ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਔਰ ਸਰਮਾਨ੍ਯ ਹੋਗਾ ਸਫਲ ਕੈਚ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਖਤਰੇ ਖਰਕ ਜਟਾਣ ਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਕੋ ਅਬ ਖੇਲ ਮੈਦਾਨ ਕੀ ਤਰਫ ਬਢਤਾ ਹੁਆ ਪਠਾਨ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੋ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਕੀ ਛੁੱਟ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਆਜ ਡੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਕੀ ਟੀਮ ਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਸਟੋਪਰ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਬਲਬੇੜਾ ਚਾਰ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸੋਂਗਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਯੇ ਸੋਨੂ ਸੋਂਗਲ ਅੱਛੀ ਟਰਾਈ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਸਫਲ ਰੇਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪਠਾਨ ਗੋਰਖਪੁਰ ਕੋ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਫੇਰ ਖੇਡਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਵਰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀਰੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮੈਚ ਹੋਗਾ ਉਸਕੇ ਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਮਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਹੋਗੇ ਆਦਣੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਢੁੱਲ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਮੰਡੀ ਕੇ ਅਧਿਕਸ ਹੈ ਵੋ ਦੋਨੋ ਟੀਮੋਂ ਸੇ ਪ੍ਰੀ ਚਲੇਗੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗੇ ਆਦਣੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਢੁੱਲ ਜੀ ਪਾਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਚਲੀਏ ਭਈਆ ਮੇਰਾ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਪਾਈ ਕੀ ਟੀਮ ਭਾਈ लाइव के सामने आ जाए खेल समिति आपको बुला रही है बिल्कुल जो आपका क्वार्टर फाइनल का इनाम था प्राप्त करें और दोनों रेडर अंकित लाठ और सुनील करकपुरा जो पाई टीम का हिस्सा थे खेल समिति के द्वारा उनका भी 1100 रुपए से मान सम्मान किया जाएगा वो भी लाइव के सामने पहुंच जाए टीम पाई ऑपरेट पर सुधीर सोंगड़ वाला हरियाणा प्रदेश का एक शानदार रेडर सामने मोहित डीक साइलेंट किलर है और तीन खिलाड़ियों के और हाँ बलजीत बलराम जी जाइए एक बार हाँ यहाँ अच्छी ट्राई की है खिलाड़ी ने डीक के खिलाड़ी ने अच्छी कोशिश की लेकिन सुधीर सोंगल भी कोई कम रेडर नहीं है बहुत बड़ा नाम है सर्कल कबड्डी का अब रेड पर पठान गोरखपुर वाला लो सामने पठान कहते गोरखपुर वाला कबड्डी पाने लिए बढ़िया होया है इधरले पासे चार ਸੁੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਆ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਉਹ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਇਹ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਇਹਦੀ ਧੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਣ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਰਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟੀਏ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਦੇ ਲੋੜ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀਏ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੰਡੀ ਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਖੀਏ ਨਾ ਤੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਤਰੋ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਜੱਚ ਦੀ ਤੇ ਰੰਡੀ ਦੇ ਸੰਧੂਰ ਮਿੱਤਰੋ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਜੱਚ ਦੀ ਤੇ ਰੰਡੀ ਦੇ ਸੰਧੂਰ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਰਾਣ ਦਾ ਡਿਸਟਰਬਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਧੀਰ ਸੋਂਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇ 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 ਕਬੱਡੀ 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 ਹਾਂ ਸਫਲ ਰੇਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਖਾਤੇ ਮੇ ਯਾਨੀ ਟੀਮ ਸੋਂਗਲ ਖਾਤੇ ਮੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁੜਿਆ ਅਬ ਰੇਡ ਪੇ ਪਠਾਨ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੈਲੀ ਪਾਈ ਕੀ ਟੀਮ ਸੇ ਅਨੁਰੋਧ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਆਟਰ ਕਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੋ ਲਾਈਵ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਕਰ ਆਏ ਜੋ ਦੋਨੋ ਰੇਡਰ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਚਾਹੇ ਅੰਕਿਤ ਲਾਠ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਖੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਖੀ ਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀਲ
खड़गपुरा सुनील कुमार, उनके लिए भी 1100 रुपए, और जो पुरस्कार कल ही पाई अपनी टीम का लेकर आए, और जो भाई टीम लूज कर जाती 9 से 16 हैं पुरस्कार, क्वार्टर के हैं 8 हैं तो वो 7 में ही देते रहे बलजीत भाई साहब। हाँ बिल्कुल, हाँ कल ही पाई की टीम आ जाए। अब रेड पर रवि कैलरम वाला, बहुत ही शानदार रेड, लंबी कद काठिया खिलाड़ी है सामने, 4 स्टॉपर करेंगे मुकाबला, मोहित डी के नियाज कमाल की और बहु अकबरपुर जैसी टीम बहुत बढ़िया। हमारी बधाई की पात्र है शिव स्पोर्ट्स क्लब है, पाई आदरणीय बलराम पहलवान जी, सुरेंद्र ढोल भाई, बलजीत सिंह, सोनू ढोल, गुरमीत भाई, मनीष कुमार, करनैल आ रही है, चंद्रबान जी, काला जोगी, विशाल जुड़ भाई, जोनू जुड़, राजेंद्र ढोल, शिव ढोल, राकेश सूरभ काकू, संदीप कृष्ण और कृष्ण भाई, बहुत अच्छी हमारी युवा साथियों की टीम है। कैली पाई की टीम आ जाए, अपना मान सम्मान प्राप्त करे। रेफरी के साथ बहस नहीं करें प्लीज भाई, लाइव के पास से थोड़े साथी नहीं, दर्शक एक साइड में चले जाएं भाई, देखिए कोई कैमरा का नुकसान हो जाएगा, लाइव के पास जो साथी खड़े हैं आप थोड़ा सा अपना स्थान। मैच समाप्त हुआ जी, मैच समाप्त हुआ, डी की टीम ने इस मैच को जीत के सेमी